हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में यूजर से स्ट्रिंग को रिवर्स कराएगा, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकता है वो है str रिवर्स फंक्शन। तो उसी का यूज हम करने वाले हैं। तो चलिए ये फाइल ले लेंगे और ये आ गया न्यू फाइल। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं सीधा सीधा। तो ये बना लिया मेन फंक्शन और यहाँ पे curly braces ओपन कर लेंगे और यहाँ पर क्या करना है, कैर टाइप का डेटा टाइप लेंगे। कैर टाइप का डेटा टाइप लिया और यहाँ पे str और यहाँ पर एक एरे बना लेंगे, एरे जिसकी साइज हम रख लेते हैं 100 मान लीजिए। आप कुछ भी साइज रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैंने रखा है 100, ठीक है। अब ये 100 साइज रख लिया, यहाँ पे सेमीकोलन देके टर्मिनेट करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आते हैं तो अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे दे देना है printf, ठीक है, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए तो हम printf ही लिखते हैं। और printf में क्या देना चाहते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग, यानी कि यूजर द्वारा एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे जिसको ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ बैकस्लैश n लगा रहा हूं, ठीक है, और इसको बंद करके टर्मिनेट कर देंगे। तो ये टर्मिनेशन भी हमने दे दिया है, यहाँ पे ये हैश जो लगा है साइन इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, चूंकि ये यूजर एंटर करेगा तो मैं यहाँ पर, और स्ट्रिंग की बात है तो जब भी स्ट्रिंग की बात आएगी तो हम स्कैनफ की जगह क्या लगा सकते हैं, गेट्स लगा सकते हैं। तो यहां लगा दिया गेट्स, ठीक है। और चूंकि हमने बनाया है str नाम से तो यहाँ str को ही str इसमें दे दिया, पैरामीटर के अंदर str दे दिया। और यहाँ पर स्ट्रिंग strrev फंक्शन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे str को इसमें लिख देते हैं पैरामीटर के अंदर और एंटर करके नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन लगा दिया हमने और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑफ द एंटर्ड स्ट्रिंग इज परसेंट एस कर देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग हमने क्या लिया है यहां पे गेट्स लिया है और str। तो यहां पे गेट्स के लिए हम स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये लगा दिया और क्या करेंगे लास्ट में, जैसे ये लगाएंगे तो लगाने के बाद हम यहाँ पे str को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, str को प्रिंट करा देते हैं, परसेंट एस लिख ही लिया है हमने। यहाँ पर भी एक बैकस्लैश n लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज होती रहेगी और str को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पर sst.c के नाम से सेव कर देता हूँ और अब इसको चलाने की बारी है, यानी रन करवाने की बारी है। तो यहाँ से कंपाइल देन रन, ये कंपाइल होने के बाद रन हो गया है और रन होने के बाद यहां पर जो मैंने लिखा था प्रिंटर के अंदर इंटरेस्टिंग वही लिखा हुआ आ रहा है। तो यहां पर अब मैं एक स्ट्रिंग इंटर करूंगा, उसका रिवर्स ये प्रिंट करके देगा। जैसे मैं यहां पे इंटर करता हूं ddu, तो ddu यानी udd, ये udd प्रिंट करेगा। तो यहां पर देख सकते हैं udd प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर दोबारा से चलाता हूं और यहां से बिल्ड पे जाके देन कंपाइल एंड रन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर अगर कोई मैं नाम टाइप करूंगा, लाइक यहाँ पर अब मैं टाइप करूंगा मैंगो, MANGO, तो ये मैंगो टाइप कर दिया तो OGNAM आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं OGNAM ही प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से आप रिवर्स प्रिंट करा सकते हो सी लैंग्वेज।